बिलासपुर जिला मुख्यालय के नजदीक नौणी ग्राम पंचायत क्षेत्र के तहत मंडी मानवाड़ा गांव में इन दिनों पानी का संकट गहरा गया है। पिछले 10 दिनों से पानी की अनियमित आपूर्ति से ग्रामीण परेशान हैं और एनएच किनारे खाली घड़ों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और आईपीएच विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हालांकि पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से वे परेशान थे, लेकिन अब कुछ समय से पानी की अनियमित आपूर्ति खासी परेशान कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार 10 से 15 मिनट तक पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे महज 2 या 3 बाल्टी पानी ही नसीब हो पा रहा है, जबकि जरूरत पूरी करने के लिए प्राकृतिक पेयजल स्रोत व हैंडपंप की दौड़ लगानी पड़ रही है। स्थानीय निवासी रमेश चंद ने बताया कि मंडी मानवाड़ा गांव भाखड़ा विस्थापित लोगों का गांव है और इन लोगों ने देश को रोशन करने की खातिर अपने घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल सका। आज ये विस्थापित पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 2 सप्ताह से पानी की आपूर्ति प्रभावित है और पानी की आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं की जा रही है, जो कि मात्र खाना पूर्ति है। ऐसी हालत में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव भाखड़ा विस्थापित परिवारों से संबंध रखता है। वर्ष 1954-55 में इस गांव ने अपने पुराने आशियानों की भाखड़ा डैम आने से बलि दी है और हमारे जो पीने के पानी के स्रोत होते थे वो पानी में डूब गए हैं। और एक बहुत बड़ा समझौता किया था 1963 में विभाग ने, और उसके अनुसार भी हमें पानी मिल रहा है। अब नई स्कीम तैयार हुई है, इसमें जो पानी का जो बंटवारा है वो ठीक ढंग से नहीं है और अपने चहेतों को ही पानी दिया जा रहा है। हमारे इस गांव मंडी मानवा में जो है 10 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। और इसके अलावा जो है आईपीएच विभाग के पास जब हम बोलते हैं तो वो ढोल मोल रवैया अपनाते हैं। जब कंप्लीट रजिस्टर की बात की जाए तो कंप्लीट रजिस्टर में एक सिंपल कॉपी रखी हुई है और उसके ऊपर जो ना उसको कोई देखता है ना उसके ऊपर कोई गौर होता है। वहीं नौणी ग्राम पंचायत प्रधान निर्मला राजपूत ने बताया कि 5 सितंबर 2016 को पब्लिक टैप कनेक्शन के लिए एक प्रस्ताव पारित कर विभाग को पेश किया गया था, लेकिन आज दिन तक इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि बोर कर तैयार की गई स्कीम आज जंग खा रही है। पुरानी स्कीम के जंग खा रहे 100 से अधिक पाइपों को बदलने के लिए भी कुछ समय पहले भेजे गए एस्टीमेट पर भी विभाग ने गौर नहीं फरमाया। उन्होंने कहा कि अब गर्मी के मौसम में पानी का संकट पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीण त्रस्त हैं। उन्होंने विभाग से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस ग्राम के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए, अन्यथा ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। से आ रही है कि इसको 120 पाइपों का मैंने दिया था ऐसे साहब को एस्टिमेट वगैरह पूरा करके जी इसको चेंज किया जाए, क्योंकि ये कम से कम 45 साल पुरानी है, उसमें अंदर कूप वगैरह जो है वो सब कैल्शियम वगैरह जम चुका है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत दुखी है पानी की, बार बार बोलने पर भी विभाग कोई वो सुनवाई नहीं कर रहा है। और एक हमने पब्लिक टाइप टैंकी बनाई थी उसके लिए मैंने 5 सितंबर 2016 को प्रस्ताव एक्सएल साहब को दिया आईपीएच डिपार्टमेंट को, तब से लेके आज तक उसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए मैंने सिर्फ बोला कि जो पब्लिक टैप कनेक्शन है वो सिर्फ टैंकी में डालना है, लेकिन अभी तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। नहीं, 5 सितंबर 2016 का प्रस्ताव गया वो, उसके बाद भी मैं बार बार गई लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई नहीं कर रहा। कभी बोला हमारे पास स्टाफ नहीं है, कभी बोलते हैं कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी मतलब पानी की तरफ गौर नहीं हो रहा। लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों को मतलब खरीद के पानी पीना पड़ रहा है, बात है।